हे व्हाट्स अप होमीज, अगर ये वीडियो इस तरह से हिलता डुलता रहेगा तो आप इसे देखेंगे नहीं और स्किप कर देंगे, लेकिन इसी वीडियो में अगर स्टेबिलिटी और स्मूथ ट्रांजिशन रहेगा तो इस वीडियो को आप इंजॉय करेंगे और अपने फ्रेंड को भी शेयर करेंगे। फ्रेंड को भी शेयर करना है आपको इस वीडियो को, तो इसके लिए आपको एक ज़रूरत पड़ेगी गैजेट की जिसका नाम है गिम्बल। गिम्बल बहुत तरह के आते हैं, DSLR गिम्बल, स्मार्टफोन गिम्बल, लेकिन अब आपको DSLR लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हर स्मार्टफोन में अब 4K रिकॉर्डिंग आ रही है, तो अब आप अपने स्मार्टफोन से भी एक फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत होगी तो गिम्बल तो आपको परचेज करना ही होगा। इंडिया में गिम्बल के जो प्राइस हैं वो काफ़ी हाई है, लेकिन मैंने इस गिम्बल को परचेस किया है gearbest.com से, और gearbest से मुझे मंगाने में कोई भी कस्टम चार्ज नहीं पे करना पड़ा, यानी कि ये गिम्बल मुझे 5700 रुपीज़ में gearbest पे पड़ा और इंडिया में भी मुझे उतने ही में आया विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी। तो आप इस गिम्बल को परचेस कर सकते हैं नीचे लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन से। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज अयान, यू आर वॉचिंग मी ऑन चैनल टेक्नोबाज। तो ये है मार्स रो ग्लाइड का गिम्बल जो कि gearbest.com पे अवेलेबल है। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, फेशियल ट्रैकिंग, पैन शॉट, ओरिएंटेशन स्विच, ब्लूटूथ कनेक्शन, जूम, टाइम लैप जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सो लेट्स अनबॉक्स दिस गिम्बल और देखते हैं इस गिम्बल के साथ हमें और क्या मिलता है। इसकी जो पैकिंग है काफ़ी अच्छी है, जो मुझे चाइना से gearbest.com ने इसकी पैकिंग भेजी थी। इसके ऊपर एक और पैकिंग थी जो कि मैंने ऑलरेडी खोल दी है, तो काफ़ी सेफ पैकिंग थी और ये मुझे 5 to 7 days में इंडिया में मिल चुका था। तो इसके अंदर ये हमें मिल जाता है यूज़र मैनुअल जो कि हर जगह होता है, आप इसे पढ़ लें ताकि आप अच्छे से यूज़ कर सकें। वैसे तो मैं इस वीडियो में बता ही रहा हूँ आपको सारे फीचर्स। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक गिम्बल और गिम्बल के साथ यहाँ पर एक USB केबल है। गिम्बल का जो मेड है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है, काफ़ी हार्ड है जो कि गिरने से मुझे नहीं लगता कि टूटेगा क्योंकि प्लास्टिक बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी। और उसके बाद यहाँ पे जो केबल रहता है इससे आप चार्ज कर सकते हैं, आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन का अडेप्टर है उसमें लगा के या फिर अपने लैपटॉप से इसको चार्ज कर सकते हैं। बाकी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. तो चलिए डिटेल्ड में जान लेते हैं कि कौन सा स्विच क्या काम करता है। यहाँ पर वर्किंग मोड स्विच है, बैटरी पावर इंडिकेटर है, स्टेटस इंडिकेटर है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप स्विच है और जॉयस्टिक है। पैन एक्सिस, जूम कंट्रोल और मोबाइल होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसी जगह चार्जिंग पॉट है और रोल एक्सिस है जो कि ऊपर में जो रोल करेगा 3 एक्सिस। पिच एक्सिस है और रीसेट बटन है यहाँ पर। आगे एक तरफ पावर ऑन ऑफ स्विच है, शटर रिकॉर्ड बटन है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी अपने स्मार्टफोन में जिसका नाम है मॉर्स और ग्लाइड, और इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद इसे डाउनलोड करने के बाद सेटअप करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करके, उसके बाद यहाँ पर इसे कनेक्ट करना होगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जैसे ये मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होगा आपका कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा जैसे यहाँ हो रहा है। इसे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है और यूज़ करना भी। उसके बाद आप इस गिम्बल को यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको यूज़ करना है, एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी है यहाँ, अपने आप देख सकते हैं मैं अपने कलाई को दोनों तरफ घुमा रहा हूँ मगर मोबाइल फ़ोन बिल्कुल स्टेबल है, तो आप इसे स्टेबल शॉट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आप अगर ट्रांजिशन देना चाहते हैं या फिर एक स्मूथ स्लाइड देना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप जॉयस्टिक को घुमा के स्मूथ स्लाइड दे सकते हैं। नीचे की तरफ आपको 1x4 थ्रेड होल मिल जाता है जिससे आप इसे माउंट कर सकते हैं किसी भी ट्राइपॉड पे। तो जैसे कि इस गिम्बल के अंदर लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मोड का स्विच है तो इसलिए आप पोर्ट्रेट मोड में भी इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और टिकटॉक पे भी डाल सकते हैं। तो ये था इस गिम्बल का अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस गिम्बल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो मैं डालूंगा इस वीडियो के बाद क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, 3 से 4 मिनट का, दैट्स व्हाई मैंने इस वीडियो में अटैच नहीं किया। तो इस गिम्बल से जो निकला हुआ रिजल्ट है वो मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस स्मार्टफोन से भी रिकॉर्ड किया हुआ, दोनों स्मार्टफोन से ही रिकॉर्ड है, एक हैंड रिकॉर्डेड है और एक गिम्बल रिकॉर्डेड है, दोनों में आपको फर्क आराम से पता चलेगा। सो अगर इस वीडियो को देखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज अयान साइनिंग आउट।